नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों अभी मैं बैठा हुआ हूं बुलेरो के अंदर में, और ये जो गाड़ी है दोस्तों करीब 2 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा चल चुकी है। 2 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी इस गाड़ी के इंजन में कोई इशू नहीं है। हालांकि कुछ छोटे मोटे जो इशू हैं वो तो आ ही जाते हैं, लेकिन 2 लाख किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा लंबी रनिंग होती है। तो इस गाड़ी में दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ दिखाने वाला हूँ, अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसा इशू है तो आप इसे किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। अगर आप इसके पेडल देखेंगे दोस्तों, तो जो क्लच पेडल है दोस्तों उसमें काफ़ी ज़्यादा प्ले है। देखिए काफ़ी ज़्यादा प्ले है और काफ़ी ज़्यादा जो है इस तरह से हिलता है। अगर ख़राब रास्तों पे आप क्लच पे पैर नहीं रखे, गियर वगैरह नहीं बदल रहे, तो ये हिलने लग जाता है इस तरह से। तो इसमें प्ले होने की वजह से दोस्तों इसके जो गियर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है टाइट लगते हैं, आवाज़ भी करते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए स्टार्ट करके गाड़ी को, अगर मैं गियर चेंज करता हूँ तो ठीक है। अभी मैंने इंजन को स्टार्ट कर लिया है और जैसे ही मैं गियर डालूँगा तो काफ़ी टाइट लग रहे हैं, और जब हम गाड़ी को चलाने लग जाते हैं उसके बाद गियर को चेंज करते हैं तो आवाज़ भी करते हैं ये गियर। तो गियर जो आवाज़ करते हैं उसका रीज़न यही है कि आपकी गाड़ी की जो क्लच है वो बहुत ज़्यादा लूज हो गई है। क्लच लूज होने की वजह से जो है ऐसा होता है। तो जिन गाड़ियों में हाइड्रोलिक क्लच सिस्टम होता है उनको भी एडजस्ट कराना ज़रूरी होता है, यानी जो पेडल है उनको भी आप एडजस्ट करा सकते हैं, और जिनमें वायर सिस्टम होता है उनको भी आप एडजस्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो क्लच पेडल है इसमें काफ़ी ज़्यादा प्ले है। अब यहाँ पर जो क्लच पेडल है इसमें प्ले होने के 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला जो कारण है, समय के साथ साथ जो क्लच होती है हमारी गाड़ी की वो घिसती है, और क्लच प्लेट घिसने की वजह से जो है इसमें प्ले आ जाती है। दूसरा, इसके अंदर लगी हुई जो स्प्रिंग होती है अगर वो धीरे धीरे लूज हो जाती है, क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे होंगे एक स्प्रिंग लगी होगी, शायद आपको दिख नहीं रही होगी, तो ये जो स्प्रिंग होती है ना ये लूज होने की वजह से भी ऐसा होता है कि पेडल में प्ले आ जाती है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी के गियर टाइट लग रहे हैं फिर जो है आपको क्लच को टाइट कराना ज़रूरी है। अदरवाइज आपकी गाड़ी के जो गियर है वो टाइट लगेंगे और इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी गाड़ी की जो क्लच है यानी क्लच पेडल है वो पूरा नहीं दब पाएगा, इसलिए आपको जो है इसको टाइट कराना ज़रूरी है। हाइड्रोलिक वाला जो सिस्टम होता है वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, और जो वायर सिस्टम क्लच होती है उसको आप आसानी से खुद ही एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी के गियर टाइट लग रहे हैं या इसमें प्ले फील हो रही है आपको, तो सबसे पहले इसको टाइट कराइए, उसके बाद ये जो इशू है वो खत्म हो जाएगा। ये एक छोटी सी जानकारी थी, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।